नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार जिस तरह से घोषणाएं कर रही है उसे लेकर जनता निसंदेह सुख अनुभव करती है, परंतु जल्द ही उसी की एक खुमारी उतर जाती है, क्योंकि घोषणाएं होती तो बहुत हैं परंतु ज़मीन पर नहीं उतरती। किसानों के लिए खाद का संकट खरीफ की फसल में नहीं होगा, ये दावे और वादे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या कृषि मंत्री हों, दोनों ने किए, परंतु हकीकत कुछ और ही निकली। किसानों को एक एक बोरी यूरिया के लिए न केवल घंटों लाइन लगानी पड़ी, बल्कि काला बाजारी इतनी हुई कि एक एक बोरी खाद के लिए उन्हें 100 से 200 रुपए तक अतिरिक्त चुकाने पड़े। इस सब के बावजूद ये सिलसिला थमा नहीं। भिंड की ही कल अगर घटना देखी जाए तो मात्र 20 किसानों को 450 मीट्रिक टन खाद देना बताया गया है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में लूप होल है और उस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई इंतज़ाम नहीं हो रहे हैं। हालांकि कृषि विभाग के जो प्रमुख हैं अजीत केसरी जी, उन्होंने एक पत्र लिखकर भिंड कलेक्टर से इसकी कैफियत मांगी है, परंतु ये जब तक आएगी तब तक सब कुछ निपट चुका होगा। किसान इतना परेशान है कि एक तरफ उसे कोरोना के कारण मदद नहीं मिली कहीं से, दूसरी तरफ अब जबकि खरीफ की फसल बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई है, उसे कहीं से बीमे का पैसा भी अभी तक मिलता नज़र नहीं आ रहा है। जो औपचारिकता हैं वो बहुत ज़्यादा कराई जा रही हैं। इसी के चलते दमोह में आज एक किसान ने भी आत्महत्या कर ली। ये ऐसे विषय हैं जो शिवराज सरकार को चुनौती देते हुए नज़र आते हैं, और अफसोस की बात यह है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सिर्फ अपने और अपने में मस्त हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले उन मेहमानों का परिचय जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखेंगे। बात करें अगर वरिष्ठ पत्रकार के रूप में तो सतीश सक्सेना जी हैं, यहाँ पर वो हमें बताएंगे और विवेचना करेंगे कि अव्यवस्थाओं की जो जननी हैं वो कौन हैं और क्यों ये व्यवस्थाएं बन नहीं पा रही हैं। बात करें अगर सिस्टम की तो सिस्टम से जुड़े हुए एक कर्मचारी नेता भी हमारे साथ हैं, उदित भदौरिया जी। वो यहाँ पर बताएंगे कि जो ऊपर से निर्देश आते हैं उनको निचले स्तर का अमला कैसे पालन करता है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सक्सेना जी कि ये जो खाद का संकट है, इसके बारे में बहुत दावे किए गए, हर साल दावे होते हैं, और ख़ास तौर पर हम 2 साल से देखते आ रहे हैं। पहले कमलनाथ की सरकार थी तब भी यूरिया का संकट था, आज जब शिवराज की सरकार है तब भी यूरिया का संकट, और काला बाजारी करने वालों की बिल्कुल पौबारा हो रही है। सरकार में जो प्रशासनिक कसावट होना चाहिए एक्चुअल में वो उसमें थोड़ी कमी देखी जा रही है, और उसका परिणाम ये होता है कि वो किसान जो है वो गरीब भुगतता है। चाहे अभी पिछली चर्चा की थी जब बिजली पे चर्चा हुई थी, आज ये खाद पे है। अब खाद जो है वो एक समय सीमा होती है इसकी भी फसल के लिए, कि इस टाइम से इस टाइम तक जो है इसमें फसल में खाद दी जा सकती है। अब उस टाइम में खाद की डिमांड ज़्यादा होती है और किसान जो है वो चाहता है कि उसको समय पे खाद मिल जाए, और उसी लिए ये भागम भाग होती है, मारामारी होती है, और जब समय पे खाद नहीं मिलती तो उसकी फसल को नुकसान होता है, और उसी लिए कालाबाजारी होती है। तो जितने ये व्यापारी हैं जिनको ये अलर्ट की जाती हैं, शॉप्स वगैरह और जो एजेंसी हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, वो इसको रोक लेती हैं, और जब रोक लेती हैं किसान को नहीं मिलता तो काले बाजार में वो बेची जाती हैं, इस तरह ब्लैक होता है। और अभी सोयाबीन की स्थिति जो है वो, ये जो जल प्रलय हुआ इसकी वजह सोयाबीन जो है वो पूरा ख़राब हो गया, बल्कि अभी ये बेतवा के जो पूर आई इसकी वजह से तो कई जगह की धान की फसल भी मैं देख के आया हूँ पूरी ख़राब हो चुकी है, धान की फसल भी बह गई है, कुछ जगह जो है वो पानी भरा हुआ है, बहुत बुरी हालत है वहाँ भी। तो कुल इस सब पर सीएम तो जा रहे हैं निरंतर देखने के लिए, लोगों के बीच जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, घोषणा उनका तो, वो तो घोषणा करने में तो उनका तो कोई सानी है नहीं मध्य प्रदेश में। इसके पहले भी वो चीफ मिनिस्टर रहे तो उन्होंने घोषणा कितनी की थी, ये तो वो खुद निकलवा के देख लें कितनी उनका क्रियान्वयन हुआ है। अभी भी उन्होंने घोषणा कर किसानों से कि आप चिंता मत करिए, खजाना खाली है, फिर भी मैं आप लोगों की मदद करूंगा। मतलब उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि हमने 4000 करोड़ अभी तक कर्जा ले लिया है, हम 1000-2000 करोड़ कर्जा लेंगे और आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
सवाल ये ना तो उसका बोझ उसका भार किस पे पड़ेगा, मध्य प्रदेश की गरीब जनता के ऊपर पड़ेगा। भाई टैक्स का पैसा किसको चुकाना है, कर्ज का पैसा किसको चुकाना है, वो आप हम लोगों जैसे लोगों को चुकाना है और उसकी व्यवस्था है अपनी। तो ये है कि संकट में या विपत्ति में अपन जो है ये कहें कि साहब अपन कर्ज लेके और घी पी लें, तो वो ये सरकार जो है वो कर्ज लेके घी पीने वाला काम कर रही है, नहीं नहीं। और अगर ये ऐसा होता तो ये किसान आज आत्महत्या नहीं करता, ऐसे कई किसान है बेचारे जो जो जिनके संग ये घटना घट हो रही है, लेकिन मजबूरी ये है उनकी कि उनके संग बाल बच्चे परिवार जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उस चीज़ को लेके और सोच के सही में रह जाते हैं अपन। लेकिन हाल में आपको क्या लगता है कि ये खाली नेताओं को ऐसा करने में मजा आता है, या फिर उनके साथ जो मशीनरी लगी हुई है वो बिल्कुल उनके आंखों पे पट्टी बांध देती है, पता ही नहीं चलने देती? जब सीएम खुद जा रहे हैं तो उन्हें तो पता होगा कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है। साहब ये सब अधिकारी वर्ग, देखिए अब ये अधिकारी वर्ग होता है काकस होता है जो मतलब ये घेरा डाल देता है और वो घेरे से उसको बाहर नहीं उभरने निकलने देते राजनेताओं को। वो स्थिति ये बनी, अब आप अंदाज लगाइए कि अभी आपने देखा हो सिवनी के पास एक ब्रिज बना था, उसकी लास्ट 31 अगस्त थी कम्प्लीट होने की डेट, और उसका इनाग्रेशन होना था, इनाग्रेशन होने के पहले ही वो ब्रिज बह गया, बताइए आप। तो स्थिति जो है वो प्रशासनिक अमला जो है वो कितना उसने सस्पेंड कर दिया सरकार ने। नहीं, सस्पेंड करने से कोई इसका निराकरण नहीं होता ना सर तिवारी जी, किसी चीज का भी अगर कोई अपराध करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अपन उससे कह देंगे तू कान पकड़े दंड बैठक लगा ले। सस्पेंशन जो है वो उनको तो उनके खिलाफ FIR कायम होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए ताकि आगे लोगों को ये एहसास हो सके कि हम अगर भ्रष्टाचार करेंगे और करप्शन करेंगे। आप बताइए कितनी बड़ी चूक थी, अभी कंप्लीट ही हुआ था, और अगर ये हो चुका होता और वहां से अगर वाहन जा रहे आ रहे होते तो कितना मानव हानि कितनी हो सकती थी, आप अंदाजा लगाइए। ये कोई सालों साल थोड़ी हुआ कि साहब ने सस्पेंड कर दिया उन दो लोगों को, दो लोगों को बर्खास्त कर दिया, दो नौकरी से निकाल दिया। हाँ, सस्पेंशन कोई एक पनिशमेंट नहीं है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगा उदित जी, चूंकि आप कर्मचारी वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वाकई सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि अब किसी को अपने दायित्वों का बोध नहीं है, या फिर चाहते हैं कि अव्यवस्थाएं बनी रहें, खास संकट है तो बना रहे? अजीत केसरी जी लेटर लिख रहे हैं भिंड के कलेक्टर को कि साहब पता करो 20 किसानों को कैसे 450 मीट्रिक टन खाद दे दिया गया। तो ये क्या वो जिले का कलेक्टर क्या बेहोश है, उसे पता नहीं है, या वहाँ के कृषि अधिकारी बिल्कुल बेहोश पड़े हुए हैं, या सब ने सोच रखा है कि बस पैसे खाओ और निकल लो? ये तो तिवारी जी आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है, और जैसा अभी सक्सेना साहब ने बताया, क्योंकि आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि राजनेताओं के इर्द गिर्द जो शासकीय मशीनरी होती है वो उनके दबिश में रहती है, दबाव में रहती है, और उन्हीं के निर्देशन में काम करते हैं। रहा खाद का सवाल, आपने कहा एक व्यक्ति को 1200 बोरियाँ उपलब्ध करा दी, खाद या बीज की कोई दिक्कत नहीं रहती शासन की तरफ से। अब शासन में बैठे जो जनप्रतिनिधि है या जो बड़े ओहदों पे बैठे हैं, पावरफुल हैं, सत्ता है, तो सत्ता का समन्वय होता है उन अधिकारियों के साथ जो जिलों में पदस्थ होते हैं। अब वो अधिकारी अपने हिसाब से दबाव डालकर अधीनस्थ कर्मचारियों से वो कार्य करवाते हैं जो नहीं करना चाहिए, आपका जो संकेत है बिल्कुल। तो इसमें शासकीय मशीनरी कोई भी हो जो विरोध करेगा उसे निलंबित कर देंगे, निलंबन आले कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन उन बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कभी नहीं होती है जो इसमें भरपूर लाभ उठाते हैं, चाहे वो खाद का हो, बीज का हो। जैसे सक्सेना जी ने बताया पुल टूट गया, बने ज्यादा दिन नहीं हुए, अब्दुल्लागंज का जो हाईवे है अभी बन रहा है, बनते समय उस पर गड्ढे होना शुरू हो गए। तो ये शासकीय मशीनरी अपन कर्मचारी को दोष नहीं दे सकते, कर्मचारी के ऊपर बैठे हुए जो अधिकारी वो चूंकि पूरे शासन को घेर के रखते हैं और वो उनके दबाव में उनके फायदे के लिए जो भी काम करते हैं, तो अधीनस्थ कर्मचारी उनकी आज्ञा का पालन करता है। नहीं, पर जो जैसे जनता से जुड़ी विषय हैं खास तौर पर, अब जैसे खाद का संकट है, बिजली की समस्या है, सीएम घोषणा भी कर रहे हैं पर वो नीचे तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, तो ये क्या सीएम को पता नहीं चलने देते हैं बड़े अफसर, या फिर उन्होंने कहा ठीक है इनको तो सुबह से हम घुमाते रहो, पता ही नहीं रहेगा इन्हें? किसी भी सीएम को सब पता रहता है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास कई खुफिया तंत्र ऐसे हैं, उन्हें सब पता रहता है। नहीं, पर इन्हीं सीएम को एक अफसरों के काकस ने 2018 में ये गुमान दिला दिया था कि आप चिंता मत करो, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, व्यवस्थाएं सब बिल्कुल चाक चौबंद हैं, और आप 130 के ऊपर सीटें आ रही हैं, पता चला वो सरकारी निकली। ये तो अभी तो अब अभी अभी जो स्थिति बन रही है, क्या अभी भी वही काकस लगा हुआ है या कुछ और है? ये तो शुरू से चलता आया है,
ये तो सक्सेना जी ने स्पष्ट कर दिया कि शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी और जिनकी सरकार होती है राजनीतिक दलों की, उनके प्रेशर में काम करते हैं। और आपने जो कहा कि वो गलत राय देते हैं, अधिकारी गलत राय नहीं देते हैं, उन राजनेताओं को भी सब अवगत रहता है गलत राय है या सही राय है, उनको सब पता रहता है और सबके निर्देशन में ही ये सब कार्य होते हैं। भाई यूरिया हो या बीज खाद बीज हो, जहाँ जिस क्षेत्र में जितना जाना है उतना उपलब्ध रहता है, उसमें कालाबाजारी इसलिए होती है कि उसमें सभी को सब कुछ फायदा चाहिए, वरिष्ठ अधिकारियों को भी ऊपर तक भी ये फायदे चाहिए, इसलिए कालाबाजारी की जाती है। नहीं तो मजाल है कि कोई भी कर्मचारी किसी भी सोसाइटी में हो, सोसाइटी मैनेजर कोऑपरेटिव के होते हैं, वहाँ भी यही काम होता है, तो वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, ऊपर जब तक इशारा नहीं होगा जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। जो आपने तीसरा कहा कि मुख्यमंत्री को मंत्री जी को या जो भी ऊपर राय देता है या उन्हें दिखता नहीं है या उन्हें मिसगाइड करते हैं, ये दोनों चीज गलत है। उन्हें सब दिखता है, उन्हें कोई मिसगाइड नहीं करता, बड़े मजे हुए खिलाड़ी होते हैं। और इनके बारे में तो ये कहा जाए चाहे वो कोई किसी भी दल के हों, हमें तो खैर दल से मतलब नहीं, हम लोग कर्मचारी हैं, अपनी आचरण संहिता में बंधे हुए हैं, तो हम उतने ही शब्दों से संबोधित कर सकते हैं। इसमें सबको सब मालूम रहता है, राजनेता भी, वो आईएएस भी, वो जिला अधिकारी भी, और वो कर्मचारी शामिल रहता, लेकिन कर्मचारी शामिल मजबूरी में होता होगा कि कर्मचारी कभी गलत काम का समर्थन नहीं करता है। बिल्कुल सतीश जी, एक बात और निकल कर आती है कि अब एक और समस्या निकल कर आ रही है कि शिवराज जी खूब मेहनत कर रहे हैं, सारा काम धाम टाइम पर करवाना चाहते हैं, व्यवस्था बना भी रहे हैं वो, पर कुछ अधिकारियों ने शायद ये ठान लिया है कि अब वो तो 2018 वाले मोड में ही आ गए हैं कि बस सीएम की सुनो, बाकी मंत्रियों की सुनो ही मत। तो अव्यवस्था जो है वहीं से शुरू हो जाती है कि मंत्री की कुछ सुन नहीं रहा है तो वो भी किसी की नहीं सुन रहा, वो भी खाने कमाने में लगा हुआ है, कि यही हालत हो रहा है। तो ये तो तिवारी जी सर्वविदित है, सीधा है कि जब भी कोई शासक लंबे समय तक पदस्थ रहता है, जिस पद पर भी, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो या मंत्री जी, तो वो तो हमेशा रहता है कि सुपर सीट आदमी ये चाहता है कि हमारे जो अधीनस्थ हैं वो हमारे ही अधीनस्थ रहे, अपनी इच्छा से कोई कार्य ना करें। और ये स्थिति आज भी बनी, आपने ठीक कहा कि मुख्यमंत्री जी अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो उनके आसपास जो घेरा बना हुआ है वो उन्हें उस चीज से रोकता है। तो उनका ये आशय होता है कि अधीनस्थ मंत्री के अधीन जो विभाग है वो मंत्री के अधीन तो रहे लेकिन काम हमारे हिसाब से हो। बिल्कुल, यहाँ मैं सतीश जी आपसे जानना चाहूँगा कि वाकई जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हैं उन्होंने ये ठान लिया है कि पहले ही जैसा काम करो, बस एक परंपरा डल गई थी दिग्विजय सिंह जी के समय पे, अधिकारी पावरफुल है, क्या आज भी यही स्थिति है? नहीं, वो दिग्विजय सिंह जी के टाइम में तो जो कुछ रहा हो रहा हो, लेकिन इनके टाइम में, शिवराज जी के टाइम में एक बात है कि अधिकारियों का एक समन्वय हुआ होता था पहले भी और वो आज भी है। अब अधिकारी का समन्वय के साथ निचले स्तर पर जो है जिला स्तर पर हम देखें अगर तो वो तालमेल नहीं है, वो तालमेल का अभाव है और तालमेल के अभाव की वजह से ये सारी जो है ये घटना घटित हो रही है। एक बात समझ लीजिए आप, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे और एजुकेशन का मामला हो, चाहे और दूसरे मामले हों, जैसे वो खनिज निगम का एक अधिकारी पकड़ाया, करोड़ों रुपया उसके यहाँ से बरामद हुआ, तो ये अपर स्तर पर नहीं होता, ये तो जिला स्तर का अधिकारी है, जिला स्तर पर होता है। तो कुल मिला के ये कि प्रशासनिक कसावट की आवश्यकता है और उसकी जो है वो की जा रही है, लेकिन अब आपका कसावट कैसे आएगी जब मंत्री आदेश दे रहा है, प्रमुख सचिव उसको फाइल डाल के और या फिर उस पर कुंडली मार के बैठा हुआ है? देखिए ये तो ऊपर से ही निर्देश होते हैं, अब आप उससे अंदाज लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश में कितने मंत्री हैं और कौन कौन से विभाग उनके पास हैं, और जब समाचार पत्र सुबह आप देखते होंगे या और समाचार पत्रों को देखते होंगे तो उसमें कितने लोगों मंत्रियों का दौरा कार्यक्रम या उनके कार्य की गति के बारे में आता, कहीं नहीं आता, इसलिए कि ऊपर से ही निर्देश हैं कि सिर्फ आपको तो चीफ मिनिस्टर की जो है छवि चमकाना है और चीफ मिनिस्टर इसमें लगे कि मुझे किसी तरीके से उपचुनाव ये 27 सीटें निकलवाना है। कुल मिला के ये जद्दोजहद और मिशन ये चल रहा है, अभी उनके सामने तीसरा कोई टारगेट ही नहीं है आप देख लीजिए। अच्छा, फिर तालमेल को बता दूँ आपको, अभाव इतना कि मध्य प्रदेश का गृह मंत्री कहता है कि रविवार को लॉकडाउन नहीं होगा और दो दिन बाद जो है वो पीएस होम आर्डर निकाल देता है राजेश राजा की साहब, तो संडे को लॉकडाउन रहेगा। तो ये तालमेल की कमी कहेंगे इसको अपन, समझे नहीं? प्रशासनिक कसावट के साथ तालमेल की कमी है कि राजनेता और अधिकारी वर्ग में जो पेट जो है वो नहीं बैठ पा रही है, उसकी वजह से ये तमाम ये वैक्यूम है और वैक्यूम का परिणाम ये सामने आपने आ रहा है कि चाहे खाद बीज का हो, चाहे स्कूलों में स्कूल खुलने का हो, चाहे परीक्षा का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे निर्माण कार्य का हो, ये सारा का सारा जो है ये एक प्रशासनिक कसावट का पार्ट है
और वो उसमें कमी है, उसको आप स्वीकार करें या ना करें। अब पीएस के खुद तो मौके पर जाने से रहा भाई, पीएस तो निर्देशित करेगा ना, अब पीएस ने निर्देश किया नहीं, क्यों नहीं जाते मौके पर जब उनको ये पहले भी निर्देश दे चुके थे शिवराज जी, आपको याद होगा पुराने रजीम में कि हर पीएस सप्ताह में एक बार किसी गांव का दौरा करे, महीने में एक बार कहीं वहीं विश्राम करे, वो अभी भी नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा, वो तो उन्होंने पहले कहा था, लेकिन अब सवाल ये है ना साहब कि ये तो इसका पालन तो पीए अधिकारियों को करने के लिए चीफ सेक्रेटरी होता है, अब ये तो ये काम दायित्व तो जो है सीएस का है ना, वो इंडिकेट करे पीएस को कि भाई अपने अपने विभाग के आप लोग जाइए और वहाँ देखिए स्थल पर क्या हो रहा है, लेकिन अब वो कोई देखने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं। अब ये चलता आ रहा है, अभी आबकारी मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, वो परेशान है कि दीपाली रस्तोगी जो है वो हर कुछ ना कुछ एक बहाना बना के उनके कोई भी निर्देशों को खत्म कर देती हैं। वो उनका आपका कहना सही, वो भी है, परिवहन में भी यही हालत है, गृह में भी यही हालत है, कोई डिपार्टमेंट अछूता नहीं है, रेवेन्यू में भी यही हालत है, कृषि में भी यही हालत है। अब मंत्री लोग जो है वो अंदर ही अंदर कुछ पुछा के रह जाते हैं, वो मीडिया को तो ये चीज सार्वजनिक, अब हाईकमान तक ये शिकायत हुई है, कल भी हाईकमान तक ये बात पहुंची है कि साहब मंत्री तो बना दिए हैं पर मंत्रियों के पास कुछ अधिकार ही नहीं है, अफसर जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है कि फाइल आज भेजी तो कल आ जाएगी, वो कुंडली मार के बैठा है 7 दिन 15 दिन 20 दिन, भेजी तो भेजी नहीं तो नहीं, कोरोना का बहाना बना के ना ऑफिस में बैठ रहे हैं ना घर पे मिल रहे हैं, ये कौन सी कार्य संस्कृति है? वो तो अब तो उन्होंने इतना बंदिश कर दी, अब तो उन्होंने आम नागरिक का जो है वो सचिवालय में प्रवेश ही निषेध कर दिया, वो तो वहाँ जा नहीं सकता कोई आम आदमी, अगर अपनी शिकायत लेकर जाना भी चाहे अगर तो वो वहाँ उन्होंने प्रवेश निषेध कर दिया। बिल्कुल, ये सवाल अजीत जी मैं आपसे पूछूंगा, आप चूंकि कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर इस तरीके से लोकतंत्र में ऑफिस में जनता का प्रवेश बंद करना, लोगों को आना जाना नहीं करना, ये क्या दर्शाता है? ये इसमें आपकी भी संगठनों की मिलीभगत है या फिर ये सिर्फ नेता ही कर रहे हैं या बड़े आईएएस अफसर मिलके कर रहे हैं? इसमें किसी संगठन कर्मचारी संगठनों की कोई मिलीभगत नहीं है। ये आदेश जारी किए थे कोरोना के रहते हुए कि कोरोना ना फैले, बाहर के लोग ना आए, यहाँ पे पब्लिक में ना आए, कर्मचारी अधिकारी ही आए कोविड टेस्ट के बाद, तो ये कोरोना तक सीमित था। अगर उसके बाद भी ऐसा रखते है या रखा है तो वो तो सरासर गलत है। नहीं पर आप देख रहे हैं, आप अभी सतीश जी ने बताया, मान लीजिए किसी किसान की कोई समस्या है, आम जनता की कोई समस्या है, तो वो तो मंत्रालय अभी भी नहीं जा सकता क्योंकि मंत्रालय में सारे गेट बंद हैं, सबके सब 5-स्टार कल्चर में मस्त बैठे हुए हैं एसी कमरे में, उन्हें ना बाहर से कोई लेना देना, तो राजा महाराजा मर गए और ये नए राजा महाराजा छोड़ गए। वो ये राजा महाराजा तो साहब आज से नहीं है, ये जो ब्यूरोक्रेट से आज से नहीं, इनका शुरू से ही ये परंपरा रही है। और ये आदेश भी जो निकाले थे मुख्य सचिव महोदय ने निकाले थे कोरोना के रहते हुए कि कोरोना जब तक है तब तक मंत्रालय में कोई प्रवेश ना करे, बल्कि जो मुख्यालय है सतपड़ा विंध्याचल में उनमें भी ना करे। उसके बाद ये कैंसिलेशन का कोई आदेश नहीं आया है, इसलिए शायद सक्सेना साहब ये कह रहे हो, लेकिन ऐसा उचित नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ सक्सेना जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोकतंत्र में एक नई परंपरा शुरू हो गई है, नेता और 2-4 अफसरों का गठजोड़ मिलके पूरे सिस्टम को, जिसको कहना है डेमोक्रेटिक सिस्टम को, सीधे सीधे मोनार्की में या राजशाही में परिवर्तित कर दिया है। जब इच्छा होगी तो मुख्यमंत्री मिलेंगे, जब इच्छा होगी तो मंत्री मिलेगा, जब इच्छा होगी तो अफसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये क्या है, आपने इतने लंबे समय पत्रकारिता की है, क्या पहले ऐसा होता था कि जब इच्छा हुई तो मिले, नहीं तो नहीं? नहीं साहब ऐसा नहीं है, चीफ सिक्योरिटी से उस जमाने में चीफ सिक्योरिटी से मिलना बहुत आसान था, चलते रफ्ते उनसे बात हो जाती थी, ये भी नहीं कि अच्छा अब तो ये मोबाइल वोबाइल थे ही नहीं, समझ लीजिए आप। और चीफ मिनिस्टर की हालत तो ये थी कि साइकिल से चले जाते थे सीएम हाउस तक, समझे कि नहीं आप, और वहाँ आराम से अगर नहीं भी है तो किधर बैठो, हो अभी उतर के आते हैं पजामा पहने, केला जो चीज पजामा पहन के नीचे जाते थे, बोलो भैया क्या बात हो गई। अब वो अब स्थिति क्या है कि अधिकारियों, आपने जैसे आपने कहा अधिकारियों ने कागज बना लिया, अपन को मिलने नहीं, आम पब्लिक से आप हमारी छोड़, आम पब्लिक की बात छोड़ दीजिए, आप आज मीडिया की हालत देख लीजिए, आप जाके देख लीजिए बल्लोन में, अगर आपको कोई मिलने को तैयार हो जाए अधिकारी, मिलने को तैयार नहीं, अच्छा मिल भी लेंगे तो आपसे बात करने को तैयार नहीं, काम करने को तैयार नहीं, सवाल ये है ना। तो जो उन्हें करना है वो फाइनल है, नहीं आप कितने उनसे कहो कुछ भी कहो, क्या ये जनता के लिए सिस्टम चल रहा है या कुछ नेताओं और अफसरों के लिए चल रहा है? सब प्रशासनिक, ये प्रशासनिक ढील है, एक बात समझ लीजिए, अर्जुन सिंह जी के टाइम में आप देखा होगा डायरेक्ट आईएएस को सस्पेंड किया था, पूरी कसावट करके रखी हुई थी, ऐसा नहीं था, काम होते थे और वो कहते थे अधिकारी साहब ये नियम में नहीं आता, तो उन्होंने कहा नियम में क्या आता भाई, जो हम कहेंगे वो नियम है,
बिल्कुल रामित गुप्त को देखा है मैंने, फाइनेंस मिनिस्टर थे एक बार, उन्होंने ट्रांसफर के लिए किसी अपने क्षेत्र के व्यक्ति के स्थानांतरण के लिए उनसे डीपीआर से बोला, डीपीआर ने कहा सर आप हमारे विभाग के मंत्री नहीं है, तो उन्होंने कहा मंत्री तो हूं ना भाई, विभाग से क्या मतलब, विभाग तुम दोगे क्या, मैं आपको निर्देश कर रहा हूँ, आप नोट शीट में उल्लेख करिए इस बात का मेरा कि रामित गुप्त मंत्री ने निर्देशित किया इनका स्थानांतरण यहाँ से यहाँ किया जाए, और अगर शाम तक आप नहीं करेंगे तो मैं चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करूंगा, और काम हुआ उसका अटक हुआ। कुल मिला के ये कि ये तो ऊपर से ही सब इंडिकेशन है कि इनकी सुनो मत, जो तुम्हारी मर्जी आ तुम करते रहो, अपने काओ कमाओ वाला काम चल रहा है, समझे आप कर्जा ले लेके अपने और प्रदेश की जनता पे एक बोझ बढ़ा दे जाइए। नहीं पर क्या अब इसकी समीक्षा होना बंद हो गई है उदित जी, कि आपने देखा मंत्रालय पहले ही छत्तीसगढ़ हटने के बाद यहाँ कर्मचारियों की अधिकारियों की संख्या कम हो गई थी, यानी जो वर्तमान भवन है वही काफ़ी था, उसके बाद दो एनएक्सी बना के एक और फाइव स्टार कल्चर, डेली का 10 लाख रुपए का बिजली का बिल, और उसमें आना जाना कर्मचारियों के लिए इतना परेशानी भरा है कि एक जगह जाना हो तो आधा किलोमीटर एक किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ रही है, ढूंढते ही रहिए। ये मतलब क्या आप जैसे संगठन उठाते नहीं है कि साहब ये मतलब क्यों क्रिमिनल वेस्टेज किया जा रहा है, 20-20 लिफ्टें लगा दी हैं उसमें। ये तो तिवारी जी हमने एक बार कई बार इस मुद्दे को भी उठाया कि दो एनएक्सी क्या, एक एनएक्सी की भी आवश्यकता नहीं थी, जो बिल्डिंग थी वो पर्याप्त थी, जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो कर्मचारी अधिकारी कम हो गए तो उसके लिए बिल्डिंग बहुत ही पर्याप्त थी। इस पे 800 करोड़ रुपए गलत खर्च किया, और भी मंत्रियों के बंगले पे जो मरम्मत चल रही है, नवीनीकरण चल रहा है, ये सब फिजूल खर्ची है, और ये थोड़ी बहुत करोड़ों में है, तो ये पैसा फिजूल खर्ची है, और ये कोई भी सरकार हो, हम ये नहीं कह रहे कि वर्तमान सरकार ही, कोई भी सरकार हो, ये फिजूल खर्ची सभी जगह नाजायज है, और कोई भी कर्मचारी संगठन इसका समर्थन न करता था न करेगा। नहीं पर जिस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि सरकार कह रही है हम आर्थिक तंगी में हैं, 800 करोड़ का बजट आपके लिए है, 100 करोड़ का प्लेन खरीद सकते हैं, 800 करोड़ की बिल्डिंग बनवा सकते हैं, इससे क्या प्रोडक्टिविटी निकलती है कि एक कुर्सी टेबल पे पहले भी अफसर बैठा था, अब वो 10,000 की छोड़ो 1,00,000 की कुर्सी टेबल पे बैठने लगा तो कुछ ज़्यादा काम करने लगा क्या? वो तो सर ये है कि अभी विंध्याचल को आप जाके देखो, वो 5-स्टार होटल की तरह है, बल्लभगढ़ में भी जो नेक्सी दोनों बनी है वो भी 5-स्टार से भी अच्छी है, तो ये पूरा पैसा बर्बाद किया है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे किसी सरकार ने भी किया हो, पैसे की वेस्टेज की है। दूसरा आपने कहा कि आर्थिक संकट है, आर्थिक संकट में फिर ये फिजूल खर्ची को तो रोकना चाहिए। नंबर दो, जो आपने कहा था कि घोषणाएं करते हैं, सरकार अगर कोई घोषणा करती है तो उसे पूरा नहीं करती, तो पूरा तो कोई भी घोषणा किसी भी सरकार ने कभी नहीं की होगी, 15 महीने वो सरकार रही, उन्होंने भी एजेंडा बनाया था, उनका भी एजेंडा पूरा अमल में नहीं आया, उनका कहना था कि 5 साल में पूरा करेंगे, अभी ये चूंकि 15 साल रहे फिर आ गए शासन में, तो ये भी अपने एजेंडे को लेकर घोषणाएं तो कर रहे हैं लेकिन अमल में अभी तक कोई एजेंडा नहीं आया। हाँ, इसमें एक मंत्री जी हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनका हमने देखा था कि जैसे ही वो पुलिस की कोई अधिकारियों की मीटिंग थी उसमें पदोन्नति का मुद्दा उठाया तो माननीय मंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिए कि पदोन्नति के आदेश जारी करने के लिए पुलिस विभाग में अलग से नोटशीट जारी कर दी। तो कम से कम मंत्री जी ने इतना तो किया कि अपने विभाग में जिस विभाग को संभाले हुए हैं उस विभाग के लिए कर्मचारी अधिकारियों के लिए तत्पर हुए, हालांकि ऊपर जाके नोटशीट रुक गई। तो कुछ ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगा सतीश जी के सिस्टम में जो खराबी आ रही है, जनता को जो चीज़ मिलनी चाहिए, डेमोक्रेसी में कहते ये हैं कि जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता ही कर रही है राज, पर अब स्थिति पलट गई है, जनता तो बेचारी अभी भी सड़क पर घूम रही है, जो नेता बने थे वो और एक आईएएस अफसरों का आईपीएस अफसरों का गठजोड़ बन गया, उन्हें फुर्सत ही नहीं है, वो अपनी एक अलग ही जिसको कहें रणनीति चला रहे हैं कि जनता को तो वो हेय दृष्टि से देख रहे हैं, जब उसके जिले स्तर पर तहसील स्तर पर काम नहीं होते तो उसे प्रदेश में आना पड़ता है, और यहाँ मंत्रालय में भी आ जाए तो यहाँ मिलने की जगह नहीं है, जिलों में कलेक्टरों के ये हाल है कि वो उनका जो समय है मिलने का कि सुबह 10 से 11 मिलना है या शाम को 3 से 5 बजे तक मिलना है, वो पता चलता उसी समय पर मीटिंग रख के बैठ जाते हैं। आपका क्या अनुभव है? नहीं, ये ठीक है आपकी बात, मैं सहमत हूँ इस बात से, जिला स्तर पर भी जो हालत है वो कलेक्टर की यही हालत है कि वो बेचारे ग्रामीण जो हैं जाते हैं अगर मान लीजिए तो वो मिल ही नहीं पा रहे क्योंकि साहब मीटिंग में है, अब साहब की मीटिंग शाम को 7 बजे ख़त्म होती है तो अब गांव का आदमी थोड़ी रुका रहेगा, रात का सवाल रहता है उनका तो वो चल देते हैं बेचारे अपने, तो वहाँ स्थिति भी ये जो है वो यही है, और यहाँ राजधानी में भी स्थिति यही है, कोई इसमें कोई संशय नहीं है मुझे कहने में। देखिए क्या है असल में, अब ये
चीफ मिनिस्टर बने हैं शिवराज जी, तो चीफ शिवराज जी कोई विधायक सर्वसम्मति से या विधायक दल के नेता के रूप में इनका चयन नहीं हुआ है अभी तक, तो आपको जानकारी में वो तो ऊपर से हाईकमान का निर्देश था कि भाई अपन को तो ये 27 सीटें चूँकि अब माता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी में ज्वाइन कर ली है, इसलिए अपन को सरकार बनाना है। उस नाते इनको ये कि ये बगावत ना करें और ये ऐसा ना हो कि ये हरवा दें, इसलिए इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद में इन्हें खुद नहीं उम्मीद थी कि हम मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, क्योंकि जो आदमी को जनता ने अस्वीकार कर दिया हो उसको फिर हाई कमान कह रहा है कि नहीं मैं इसको सीएम बना दीजिए। अब जैसे कि कांग्रेस में रहा श्यामाचरण जी, जब जो घुमा फिरा गया ये होता था कि जब भी कोई चीफ मिनिस्टर हटा उनने कहा भाई श्यामाचरण जी को बना दो, श्यामाचरण जी मध्यप्रदेश 4 बार 3 बार सीएम बने, तो उसी परिपाटी में जो है बीजेपी चल रही है, जब जब बनी सरकार गिर गई है। अब ये उल्लेख लिए कोई कार्य तो इन्होंने पहले भी शिवराज जी ने किया, अगर किया होता या जनता ने अगर शुरुआती दौर में तो किया था, शुरू में तो किया इन्होंने, उसके बाद तो फिर में अफसरों के काकस ने घेर लिया उनको, वो किसान पुत्र की जगह वो मतलब ये है व्यापारी पुत्र हो गए, और व्यापारी पुत्र ने फिर जो है काम दिखाया। अब देख लीजिए आपके सबके सामने उनका जाके देखिए आप विदिशा के अंदर क्या आलिशान फार्म हाउस है, सारी चीजें 5 एकड़ का छोटा किसान और करोड़ों रुपए का वो मतलब एक फार्म हाउस उन्होंने बोला। चलिए ये उनकी मेहनत का भी नतीजा है, पर सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति जब चाहता है बदलाव तो वो उनके निर्देशों का असर क्यों नहीं हो पाता, ये मैसेज क्यों जा रहा है कि साहब सीएम ही हर काम करें, उनके विभागीय मंत्रियों की कोई हैसियत ही नहीं बची है। ऐसा प्रशासनिक इसका ढीलापन कहेंगे साहब अपन, क्यों प्रशासनिक कसावट होना चाहिए भाई, क्यों नहीं मंत्री कसावट करें। अब उनने हाईकमान तक को ये शिकायत भेज दी है मंत्रियों ने, कईयों ने, और खासतौर पर जो सिंधिया समर्थक हैं उन्होंने कहा है साहब ऐसा लग रहा है जैसे पहले कमलनाथ जी की सरकार में होता था कि नोट शीट लिख के भेजो और वो वहीं पड़ी हुई है, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग करना है तो स्थिति यही है, कोई बदलाव करना है तो ये स्थिति है, और कोई नीतिगत निर्णय भेजना है तो ये स्थिति है। नहीं वो देखिए क्या है, मैंने आपको अभी इसमें बताया था कि कोई सा विभाग ऐसा नहीं है, ये कि जो ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए हैं जिनको मंत्री बनाया उनकी बात पे नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बीजेपी के जो लोग विधायक हैं जो मंत्री बने में तो उनकी बात भी कर रहा हूँ आपसे कि वो भी बेचारे चूंकि अब वो तो अनुशासन में बधे हैं इसलिए उसको सारा दिन नहीं कर सकते, लेकिन उनकी वेदना और विडम्बना भी यही है ना साहब कि उनकी नोटशीट पर भी कोई आदेश नहीं हो रहा है, उनकी नोटशीट जाती है रखा जाती है, अब वो कितनी बार किससे और कैसे कहें ये है ना। पर क्या इसके लिए कोई आचार संहिता उदित जी नहीं होनी चाहिए कि छोटे कर्मचारियों के लिए तो है कि 10 से 5 आपको इतने समय तक बैठना है, पर बड़े अफसरों का कोई टाइम नहीं है, खासतौर पर आईएएस और आईपीएस का, वो जब आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, कोरोना का बहाना बना के घर पे लेट जाएं, उनकी इच्छा, मंत्रालय में बैठ नहीं रहे हैं, मुख्यालय में नजर नहीं आते, क्या है स्थिति? ये तो सर आज से नहीं है, शुरू से ही है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं, शुरू से नहीं था, अब होने लगा है कि अब तो उनकी गैर जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है, और इसका ठीकरा जो है वो आप लोगों पे फूटता है कि कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, दूसरा ये संदेश जा रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इसी वजह से। नहीं, कर्मचारियों की वजह से भ्रष्टाचार नहीं बढ़ रहा है, कर्मचारी क्या करेगा, वो जो आपने कहा कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जिससे मिलना चाहते हैं उसी से मिलेंगे, वो आम आदमी से, आम कर्मचारी से, आम पब्लिक के किसी व्यक्ति से वो नहीं मिलते, हमेशा मीटिंगों में रहते हैं, ये बात सच है। और इसके पीछे ऐसा क्यों है, वो इसलिए है कि जब उनको इशारा कहीं और से होगा, अहंकार में होंगे, और प्रदेश का जो मुखिया है ये उसकी जवाबदारी होती है कि कसावट, जो सक्सेना जी ने कहा कि कसावट में कमी है, अगर प्रशासनिक कसावट तगड़ी होगी ऊपर से इशारा होगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा। और चर्चा का वाकई इतना ही समय था, आप दोनों मेहमानों ने ये बात सही कही कि डेमोक्रेसी में कसावट भी ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी ये चुनौती है कि वे अपने मंत्रियों को फ्री हैंड दें, साथ साथ ये भी देखें कि वे जो घोषणाएं कर रहे हैं जनहित की वो पूरी हो रही हैं कि नहीं। उन्होंने बिजली की घोषणा की कि साहब बिजली के बिल कम कर दिए जाएंगे, परंतु हालात ये हैं कि अब बिजली के बिल और बढ़ कर आ रहे हैं, जनता परेशान है, बिल जमा नहीं करती है तो कनेक्शन कटता है, और कर्मचारियों की दिक्कत ये है कि अगर वो वसूली नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। उधर किसानों की ये हालत है कि खाद की तमाम दावे वादे किए जा रहे थे कि साहब संकट नहीं होगा, वो संकट निरंतर जारी है, बीमे की राशि का भी अता पता नहीं है, और रोज़ ये फॉर्म भर दो वो फॉर्म भर दो इस तरीके की अव्यवस्थाएँ चल रही हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विभाग खबरें निरंतर जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।